आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। आज तीन सत्रों में हो सकती है संघ की बैठक। आखिरी सत्र में संघ प्रमुख का मुख्य संदेश जो है वो जारी होगा। पहले दो सत्रों में पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के साथ ही पदाधिकारियों को नए लक्ष्य जो है वो दिए जाएंगे। कल पांच सत्रों में हुई थी संघ की बैठक, जिसमें लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी और आज भी कई अहम मुद्दों पर यहां पे चर्चा होनी है। कल सीएम योगी भी बैठक में शामिल हुए थे, मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से भी मुलाकात की थी। तो कई मामलों में ये जो बैठक चल रही है आरएसएस की वो बेहद खास है, क्योंकि कई लक्ष्य यहाँ पे रखे गए हैं, कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पे चर्चा जो है लगातार की जा रही है। कल पांच सत्रों में संघ की बैठक हुई थी और कल इस बैठक में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे, मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से मुलाकात की थी। और ऐसे में बेहद जो बैठक है वो कई मामलों में खास मानी जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष पालीवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। मनीष, आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन, आज किन किन अहम मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा हो सकती है? देखिए, जो आज ये बैठक है, बैठक का आज आखिरी दिन है, कल से ये बैठक शुरू हुई थी और आज जो अहम मुद्दा इसमें जो अनुमान है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है उस पर चर्चा होगी कि राम मंदिर के निर्माण को किस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा सके। इसके साथ ही साथ इसमें देशवासियों को किस तरह से जोड़ा जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर निर्माण में सहयोग कर सके, जुड़ सके, तो इसको लेकर चर्चा की जाएगी। उसमें रणनीति बनेगी कि ज्यादा से ज्यादा संघ के लोग कैसे आम आदमी जो है उनको इस मंदिर निर्माण से जोड़ा जाए और मंदिर को भव्यता दी जाए, इस पर चर्चा की जाने की उम्मीद है। इसके अलावा धर्मांतरण, लव जिहाद को रोकने के लिए भी चर्चा की जाएगी। साथ ही जो आजकल देश में परिवारों में विघटन चल रहा है उसको लेकर एक चर्चा की जाएगी कि परिवारों में जो विघटन हो रहा है, लोग अपने परिवार से अलग होकर रह रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सके कि लोग परिवार में साथ रहें, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लव जिहाद पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी कि लव जिहाद को कैसे रोका जा सके, और धर्मांतरण जो है उस पर चर्चा होगी कि धर्मांतरण जो लोग कर रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, और गो रक्षा पर भी चर्चा हो जाएगी की जाएगी कि जिसमें गो हत्या पर किस तरह से पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। बिल्कुल मनीष, ये सभी मुद्दे बेहद खास और बेहद अहम है, चाहे वो गो हत्या को लेकर हो, धर्मांतरण को लेकर हो, लव जिहाद को लेकर हो और अयोध्या में जो भव्य मंदिर की तैयारी है उसको कर भी चर्चा हो, तो सभी जो बिंदु हैं वो बेहद खास और बेहद अहम है। आज कितने सत्रों में ये बैठक होनी है और कल जिस तरह से हमने देखा कि कल सीएम योगी भी बैठक में शामिल हुए थे, तो आज किन किन को यहाँ पे बुलाया गया है, कौन कौन से बड़े अधिकारी यहाँ पे आज बैठक में मौजूद रह सकते हैं? मनीष, देखिए, इसमें जो बैठक चल रही है ये अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक है और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल हैं उसके पदाधिकारी शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी शामिल हैं। कल मुख्यमंत्री भी जब आए थे यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तो उन्होंने भी आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक संघ प्रमुख और भैयाजी जोशी के साथ बातचीत की थी, मंत्रणा की, उसके बाद सीएम योगी वापस लौट गए थे। और आज जो चर्चा है वो दो सत्रों में चर्चा होने की उम्मीद है कि बैठक चलेगी सत्रों में, वहाँ पे बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक के समापन के पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत अपना संदेश सुनाएंगे जो उनका बैठक के बाद। बिल्कुल मनीष, और मोहन भागवत के आखिरी संदेश का इंतजार सभी को रहेगा, क्योंकि ये जो चर्चा है वो बेहद खास और बेहद अहम है, क्योंकि कई अहम मुद्दे यहाँ पे है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए।